मध्य प्रदेश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में आई कमी। टिकट देने से कतराते हैं सियासी दल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महिलाओं को प्रत्याशी बनाने के मामले में कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस आगे रही है। वर्ष 2008 में कांग्रेस ने 37 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था, जिनमें 8 ने चुनाव जीता, जबकि भाजपा ने 25 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया, इनमें से 14 ने जीत दर्ज की। वर्ष 2013 में भाजपा ने 28 महिला प्रत्याशी उतारे और 22 पार्टी के भरोसे पर खरी उतरी, जबकि कांग्रेस ने 23 महिलाओं को टिकट दिया लेकिन केवल 6 ही जीत सकी। 2018 के चुनाव में फिर कांग्रेस ने 27 महिलाओं पर दांव लगाया और 9 चुनी गई, जबकि भाजपा ने 24 महिलाओं को टिकट दिए और उनमें से 11 जीतकर विधानसभा पहुंची। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल मात्र जिताऊ प्रत्याशी को ही टिकट देना चाहते हैं। महिलाओं की क्षमता पर वे आसानी से भरोसा नहीं कर पाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक सर्वसम्मति से दोनों सदनों में पारित किया गया है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। आधी आबादी को न्याय मिला है, भाजपा भी नारी सशक्तिकरण की पक्षधर है। भोपाल लोकसभा और राज्यसभा से नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने के बाद से ही राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने को लेकर देश में बहस छिड़ गई है। महिलाओं को आरक्षण संबंधी कानून बनने के बाद उन्हें लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा। वर्तमान स्थिति की बात करें तो कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो 15% टिकट भी महिलाओं को देता हो। मध्य प्रदेश में बीते 15 वर्ष में गठित 3 विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या का विश्लेषण किया जाए तो वर्ष 2013 में गठित 14वीं विधानसभा ही ऐसी थी जिसमें कुल 230 सदस्यों में महिला विधायकों की संख्या 32 यानी लगभग 14% थी। यह संख्या 15वीं विधानसभा वर्ष 2018 में घटकर 9% यानी महिला विधायकों की संख्या घटकर 21 हो गई थी। 2008 में 24 महिला विधायक थीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।